हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को मेरा प्यार भाव नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, मॉर्निंग के 8 बजे हैं, ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने जेठानी के घर में आके। आज हमारी सास का है पीपल पानी 13वीं। तो 13वीं की जो प्रक्रिया होती है, जो मतलब जो होता है प्रोसेस, वो शुरू हो गया है। टेंट वेंट लग गया है और सब कुछ मतलब चल रहा है, और काम कर लिया है, मांस पीस दिया है और आलू छील दिए हैं। पहले बनेगा घर में बड़े और पूरी, जो कि हम तेल चखाया जाएगा सारा परिवार का। ये हमारे वहाँ होता है, आज के बाद तेल स्टार्ट हो जाता है। तो बड़े और मांस उड़द हल्के पीस के जो बनते हैं पकौड़े टाइप के, उसको बड़े बोलते हैं हमारे यहाँ। और पूरी और सब्जी आलू की सबको चखाया जाएगा परिवार में, जितने भी लोग आएंगे, दो दो पूरी और बड़ा सबको दिया जाएगा। तो ये हमारे वहाँ होता है, बाकी आगे आगे क्या होता है अभी घाट गए नहीं। सारे लोग आदमी लोग नीचे तैयारी कर रहे हैं टेंट वेंट की, मतलब बहुत सारे लोग पूरे गांव वाले खाने वाले हुए जो जा जाते हैं घाट पे, क्योंकि जो जो गए होते हैं ना बुढ़े, तो उनका तो प्रसाद होता है ना, प्रसाद खाने लोग सभी आते हैं, तो प्रसाद ही हुआ एक तरह का ये। तो वही तैयारी चल रही है, आगे आगे जो भी होगा मैं आपको बताती रहती हूँ। तो 8 बजे हम करेक्ट यहाँ पहुँच गए थे घर से अपने, नहा धो के दोनों दिलाड़ी ले आई थी, ब्लॉग में बना नहीं पाई थी क्योंकि जल्दीबाजी में फटाफट यहाँ पहुँच गए थे। तो आज मेरे सास को 13 दिन का हुआ है, 12 दिन हुए हैं, मतलब हमारे 13वीं होती है लेडीज़ की 12 दिन में। तो फिर वही है, तो हमारा हो गया जो बनता है सुबह हमारा तेल चखने का सिस्टम, ये है तेल चढ़ा दिया, अभी और लेने गई है तेल। और यहाँ पर मांस पीस के लग दिए बड़ के लिए, मांस में उड़द की दाल पीस के रखे किसको दे रखा है, और ये है हमारे जेठानी जी, ये भी आ गई हैं। दूसरे नंबर पे दीदी आई थी हमसे, हम आ गए थे 8 बजे, दीदी आई है 9 बजे, है ना। और ये हमने बोल दिया है, हाँ आप तो साढ़े 9 तो आ भरी बोल दिया, यहाँ पर पूरी के बाद जो है यहाँ पर चले जाएंगे। और सब्जी इसमें बना दी है, सब्जी इसमें बना दी है, ये रही सब्जी, अब हमारी बन गई है पूरी। और ये आ रही है हमारी बुआरी, बहुत जल्दी आ गई हमारी बुआरी है, ये 10 दिन में आ जाई है ना, बता देती हूँ सबको, ये 10 दिन में आ जाएगी। और इस बार हेमा ने ऐसा किया है, पहली बार हम याद करते रहे पूरे 10 बार जो थे, हेमा नहीं आई। चलो आ गए, आ गए, नहीं सासुओं को बहुओं की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, इनको हरी शिकोड़ लगा, नहीं तो मैं समझते ही नहीं है, इनको हरी शिकोड़ लगा, देख लिया, ये है हमारी इज्जत, देखो नहीं तो कुछ समझते ही नहीं है। बल तुमको क्या समझ रहे हो, बहू समझो, बहू तो समझ रखे है, काम करने आओ करके बुला रखा है, आपके घर की लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है सर, ये लक्ष्मी है, घर में सो रखी है लक्ष्मी आई। तो गाइस यहाँ बन गई है पूरी, अब बनेंगे बड़े, मतलब भुड़, हमारे यहाँ भुड़ बोलते हैं, और अंदर बहुत सारे लोग ये है हमारे खानदान की सबसे छोटी लड़की, खानदान की छोटी लड़की, और ये है हमारी ननद, ये हमारी ननद है मेरी सास की सबसे छोटी बेटी। यहाँ पे चल रही है पूरी बनाने की प्रक्रिया, पूरी बन रही है, बेली जा रही है, मतलब जगह के कारण यहाँ बेल रहे हैं और यहाँ पे तले जा रही है, और साइड में चाय भी बन रही है। चाय किसके लिए बना रहे हैं, सब कोई लगे हैं काम धाम पे। और नीचे लग गया है वाइट वाला टेंट जो लगता है, इसके नीचे बैठे होंगे, कुर्सियाँ वगैरह लगी हैं नीचे, दिख रही है आपको, सब लोग भी आना शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो सब लोग घाट रहे हैं हमारे परिवार के, और महिलाएं यहाँ पर बना रही हैं पूरी। ये पूरी सूख गई, अरे अरे ओ चला, ये सूख गई है पूरी, सूखी हो गीला हो गया दीदी आटा, एक टोकरी हमने बना के रख दिया है अलग से, और बाकी ये है, मतलब बहुत सारी पूरियाँ बनेंगी, जितने भी आएंगे घर में सब दो दो पूरी और एक एक बड़ खाएंगे, बड़ मतलब उड़द की दाल पीस के जो बनाएंगे पकोड़े वही खाएंगे। चाय पानी भी चल रहा है साथ साथ में, तो आगे आगे जैसा जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये आ गए हैं सबसे बड़े हमारे परिवार के सयाने, जिठानी हमारी, और कह रहे कुछ करना है, बल करो भाई, ये तो हाथ की नहीं बोल करनी हूँ,
जो सारे लोग हैं वो पूछते हैं कुछ करना, जो छोटे लोग हैं वो छुप जाते हैं। बहुए छुप जा रही है और सासू बोल रही है, तभी तो कह रही सुना रही हूँ बहुओं को ही। बहुए छुप जा रही है, सास बोले कुछ करना है, भला बताओ। चलो कर दिया कर दिया, सुनो सुनो सुनो, सबकी बहुए छुप जा रही है, सास बोल रही है काम करना है। तो यहाँ पर सास आ गई है, जोर में बोल रहे हैं आजकल की बहुओं को हम ऐसी पेल देंगे। हमारे जेठानी हमारे लाई है फ्रूटी की बॉटल, जो कि बहुत ही समझदार निकली, इन सब में सबसे समझदार निकली है, जो कह रही है कि हमारी दरानियाँ थक चुकी है काम कर करके, है ना। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, इनके लिए बोतल लाए भगवान तुम्हारे दे किसी ताकि तुम हमारे लिए बोतल लाते रहो ना। किसके लिए वैसे बोतल लिया है, किसके लिए ठंडा लिया है, किसी के लिए ठंडा लाया है, किसी के लिए काली बोतल लाया है। जिठानी का ये धंधा है, जिठानी का ये धंधा है, करो जिठानी का यही काम है, किसी को ठंडा पिलाना, किसी को पानी पिलाना, ये काम करते जिठानी। बोरिया बोरिया है कि लामकुट, बोरिया है कि लामकुट, सासू भेरी इसी क्यों। और बच्चों के यहाँ पर अपनी चल रहा है, हमारे दो क्यूट क्यूट से बच्चे लगे हैं मोबाइल पे, ये हमारा क्यूटी बेबी है छनाया। तो अंदर चली गई है लाइट, हम आ गए बाहर, टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, चेयर वगैरह लगी है, बाहर बैठने आ गए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी अंदर। लाइट जाने के बाद सारे लोग बच्चे बच्चे सारे बाहर बैठ गए हैं, हमने सोचा चलो बाहर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और मेहमान भी आ रहे हैं, बैठे हुए हैं सारे मेहमान लोग, उधर टेंट लगाया सामने सामने नुक्कड़ पे टेंट लगा है, तो उधर ही खाने पीने का चल रहा है। और मेरे चाचा लोग भी अभी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था, दो चाचा आ रहे हैं हमारे, और मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। माँ बेटी का प्यार ऐसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, नहीं वो उधर से आ रही है। तो गाइस आ गए हैं मेरे चाचा लोग, आगे से आ रहे हैं मेरे येल्लो लाइनिंग वाले टी शर्ट वाले जो हैं, वो हैं बड़े चाचा जो कि दूसरे नंबर के चाचा हैं, और सबसे पीछे हैं छोटे चाचा, सबसे छोटे वाले चाचा। तो फ्रेंड मैं बोल रही थी, जो हमने उड़द की दाल के बड़े या भूल बोलते हैं ये हमने बनाए हैं, और थोड़ी सी हमने दे दी है ऊपर पूजा के लिए, और ये पूरियाँ भरत हैं, ये भी भरी है। अब सारा परिवार वाले तेल चखेंगे पूरी और इसके साथ, और सब्जी रखी है बांधेंगे तो हाथ में तो बांधेंगे, सब लोग बैठे हुए हैं परिवार के। तो फ्रेंड अब हम जाते हैं खाने के लिए टेंट पे, सब लोग जा चुके हैं, हमारे घर के मेंबर रह गए हम लोग, हमारी जेठानी देवरानी सब जा रहे हैं, अब सब खा चुके हैं वहाँ पे, अब हमारी बारी आई है। तो गाइस अब आ गए हम टेंट पे, जहाँ की बना है हमारा प्रसाद हमारे सासू जी के नाम का, ये मेरे भतीजे हैं दोनों, ये तीसरा भतीजा है छोटी देवरानी का बेटा पिंक टी शर्ट वाला, और ये बेटा है मेरा बेटा। तो मैंने ये वीडियो मेरी बनाई है मेरी भतीजी ने, जो कि मैंने आपको बताया था अभी पहले वाली वीडियो में, कि आगे वाली जो चली गई वीडियो उसमें बताया था, हमारे परिवार की सबसे छोटी बेटी उस भतीजी ने बनाया था, उसका नाम है वंशिका बिष्ट, तो उसके उसको मेरा धन्यवाद है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनी थी आज तो प्रसाद के रूप में। सब लोग खा चुके हैं, बस हम थोड़ी बहुत लोग रह गए हैं जो रहे हैं अभी, दो चार लोग हमारे घर के अंदर के, बस वो भी खा लेते हैं, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं अंदर, सारे फैमिली के बच्चे बड़े हम सब लोग यहाँ पर बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ ऐसा था वैसा था, तो इसीलिए बैठे हुए हैं सब हम लोग यहाँ पर, और अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, खाना खा लिया है। तो ये हमारा गांव का भतीजा और बहू है, ये भी अपने ताऊ के घर जा रहे हैं, जो इनके ताऊ हैं बड़े वाले गाज़ियाबाद, तो ये वहीं से गांव को जाएंगे, जो लोग गांव को जा रहे हैं उनको मिल जाएंगे आधे रास्ते से। ये दोनों देवरानियाँ बैठी हैं, वो जेठानी है, सब बैठे हुए हैं, ये वंशिका जी भी बैठ गई है यहाँ पर, मेरी भतीजी। तो गाइज ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देती हूँ, बाय।